हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। मैं राजकुमार आपकी क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स के साथ। छात्रों, आपने अभी तक पिछला सारा चैप्टर और सारे क्वेश्चन सब पढ़ लिए। 6.2 आज शुरू करेंगे, जिसमें का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। एक नया अभ्यास है रेखाएं और कोण। ये चैप्टर जो है ना बच्चा, वो थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने हैं, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। दो बार वीडियो को देखो, तीन बार देखो, सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो ऑनलाइन देखना। जो भी नए छात्र हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। और आगे भी ये भी कह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी समांतर हैं सी डी के। ए बी जो हैं वो सी डी के समांतर हैं, इसको दिखाइए। वैसे तो समांतर दिख रही, लेकिन इनको दिखाना, क्योंकि इनको कम दिखता है, मतलब हमें एक प्रकार से सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी के बीच में ये जो एक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही, उसमें एक कोण यहाँ पे 50 बन रहा है, एक कोण यहाँ पे 130 बन रहा है, ये दिया है। पूछ रहा है x और y का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे हल, हल लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, हल के बाद लिखो कोण x के लिए, कोण x के लिए। अगर आप कोण x के लिए देखो बच्चा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कोण x ये है ना, और ये क्या है 50 है। इन दोनों कोणों में अगर आप देखो तो रैखिक युग्म का संबंध बन रहा है। रैखिक युग्म मैंने पढ़ाया, लीनियर पेयर बताया था ना, लीनियर पेयर, जब एक ही रेखा पर एक से अधिक कोण बनते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। तो इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो कि x प्लस 5050 इक्वल 180, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा 180 अंश के होते हैं। इतना समझ में आया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 हो जाएगा। आपको क्या मिल गया, x का जो है मान ये 130 आ गया, कितना आ गया, 130 डिग्री हो गया। अब x का मान तो आ गया, अब एक नीचे जो हमें निकालना था y का मान निकालना है। इसको कैसे करोगे, ज़रा ध्यान से नीचे देखो, अगर तो आपको दिख रहा होगा कोण बना है, वहाँ पे लिखा भी गया है, आपको मान निकालना है। चलिए हम नीचे थोड़ा करके आपको दिखा देते हैं, इसको नोट करते चलो फटाफट भाई, देखो नहीं मुँह फैला के खाली हाथ लिखते चलो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। चलो अब देखो नीचे क्या होता है, ध्यान देना। अगर हम कोण वाई के लिए ले लें, तो हम देखेंगे वाई और उसका एक विपरीत है, अपोजिट कोण है। यहाँ पर आप लिख लो, चाहे लिखो कोण वाई के लिए, कोण वाई के लिए क्या होगा, लिखो y बराबर 130 अंश होगा। अब आप कहोगे कि y बराबर 130 अंश होगा, ये काहे लिख दे रहे हैं, कहाँ से इनको पता चल गया, इनको कैसे मालूम है कि 130 अंश होगा। तो बच्चा देखो, 130 अंश इसलिए होगा क्योंकि y जो है वो 130 का अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है ना, जब दो रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस करें, इस तरह से प्रतिच्छेदित करें, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको आप जानते हो ना, इसकी एक परमीय आपने पढ़ा होगा, लंबवत विपरीत कोण बराबर होते हैं। लंबवत विपरीत कोण क्या होते हैं बच्चा, बराबर होते हैं। तो इस तरह से इसको आप 130 लिख सकते हो। इतना बात समझ में आ गई ना, इतना बात समझ में आ गई, यानी हमें x और y के मान मिल गए। अब इसमें बात आती है कि ए बी को सी डी के समांतर हमें दिखाना है। भाई कुछ ना कुछ हम तथ्य दिखाएंगे, तब कह देंगे कि समांतर है। तो चलिए इनको लिख लो जल्दी से, फिर मिटाऊंगा मैं इसको, मिटा के तो मैं बताऊंगा। जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो बच्चा, जल्दी करो फटाफट, जिससे कि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूं। और हाँ, जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके बताएंगे, उनको फिर से समझाया जाएगा। ये वीडियो आपको डेली 7 बजे शाम को मिल जाता है, आप सभी बच्चे ज़रूर देखा करें, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दिया हूँ, जो नहीं लिख पाए थे वो वीडियो को थोड़ा पीछे करें और फिर से देखें। अब देखो क्या है, चूँकि हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखो चूँकि x इक्वल वाई इक्वल 130, हमने देखा कि x और y दोनों बराबर हैं, दोनों कितने के हैं, 130 के हैं। हाँ, x और y दोनों कोण क्या हैं बच्चा, बराबर हैं। हाँ, ये भी क्या है, 130 बराबर है। चूँकि ये दोनों आंतरिक अंतः कोण हैं, आंतरिक अंतः कोण हैं, आपको पता है इनको इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और ऐसी स्थिति सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही देखने को मिलती है। आंतरिक अंतः कोण बराबर होते हैं,
ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये आंतरिक अंतःकोण हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बनते हैं, ऐसे कहीं नहीं बनते हवा में। बात समझ गए ना? तो आप क्या लिखोगे नीचे? लिखो यक्स और वाई, यक्स और वाई बराबर हैं, यक्स और वाई बराबर हैं, दोनों आंतरिक अंतःकोण हैं। लिखो इसको नीचे, तभी तो सिद्ध करोगे ना। दोनों आंतरिक अंतःकोण हैं, दोनों क्या हैं? आंतरिक अंतःकोण हैं, और ऐसी स्थिति सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बनती है, ऐसी स्थिति सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बनती है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, नीचे लिख दो इति सिद्धम, या हिंदी में लिख लो सही सही, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तो ये थी पूरी कहानी, आप समझ गए होंगे। जो भी बच्चे नहीं समझे वो कमेंट करके बताएं अगर कोई भी डाउट है। लेकिन बच्चा ये जान लो कि ये आंतरिक अंतःकोण क्या होता है, ये रैखिक युग्म क्या होते हैं, अंतः बिंदु क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक कोण क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप पिछले जो भी वीडियो उनको देखिए। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन कल आपने देख लिया था, उसके आगे आज हम देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ, और जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब तुरंत करें। चलिए नीचे देखो, लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, हो गया। सवाल कहता है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल सी डी, यानी जो रेखा ए बी है वो सी डी के समांतर है, और जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, यानी ये जो है सी डी ये ई एफ के समांतर है, ये दिया है, और कोण नहीं दिया, वाई एंड जेड अनुपात दिया है 3:7 का, तो यक्स का मान पूछा है। एक्स कोण ये बन रहा है, वाई ये बन रहा है, ये जेड बन रहा है। अगर आपको एकांतर अंतः कोण और संगत कोण इत्यादि ये सब नहीं आते ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कमेंट करके बताना, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक मिल जाएगी एकांतर अंतः कोण संगत कोण वगैरह की, उन्हें देख लेना, नहीं तो लास्ट में नंबर देंगे, संपर्क करना, ठीक है? तो बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी क्लास होगी। देखो अब यहाँ लिखो हल दिया है, क्या क्या दिया है भैया? पहले तो कुछ रेखाएँ समांतर दी हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ये दिया है वाई और जेड का जो अनुपात है 3:7 है, 3:7 है ना, तो हम इसे मान लेंगे। क्या मान लेंगे? किसी एक अचर पद के साथ इसको लगा लेंगे, वाई बराबर 3 है और जेड बराबर 7 है, ये आप मान सकते हो। कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो इसके साथ में, चाहे तो यहाँ पर के कर लो या बी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, एक आप इस तरह से मानोगे अनुपात वाला, वाई को जगह पे 3 है, जेड की जगह पे 7 है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ए बी अगर समांतर है सी डी के, तो भैया सी डी के समांतर ई एफ है ना, ये है ना, ध्यान दो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 3 लाइनें हैं भैया, ये अगर 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है, ये 3 है, और कहा जाए कि ये तो 3 है लेकिन जो ये सी डी है ये ए बी के बराबर है, ऐसा समझो। अगर मैं कहूं कि ए बी 3 है और जो सी डी है वो ए बी के बराबर है, इसका मतलब सी डी भी 3 है, इसका मतलब सी डी भी 3 है, और लास्ट में ये कह दिया जाए कि जो रेखा पी क्यू है, पी क्यू सी डी के बराबर है, समझो, पी क्यू सी डी के बराबर है, और भैया सी डी ए बी के बराबर है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है कि नहीं, कह सकते हो ना, सब बराबर है ना, तो आप कह सकते हो ए बी पी क्यू के बराबर है, ये कह सकते हो। तो उसी तरह से बच्चा अगर ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो आप कह सकते हो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये हो सकता है। अब ऐसा क्यों ऐसा, वो मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया एग्जाम्पल के साथ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो तो यक्स और जेड और वाई कोण दिए हैं, हाँ ये दिए ना बच्चा, नीचे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? जो भी छात्र नहीं समझ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे उन्हें लिखने में आसानी हो। चलिए अब हम आगे दिखाते हैं आपको, ध्यान देना बच्चा, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो कोण एक्स बराबर कोण जेड, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में। क्यों बराबर होंगे पता है भैया? ये कोण एक्स है
और ये कोण जेड है, ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर अंतः कोण है ना भैया? तो ब्रेकआउट में लिख लो एकांतर अंतः कोण, जिन्हें इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इतना हो गया, इतना ही नहीं अभी इसमें और भी बहुत कुछ होगा। यहाँ पे एक्स वाई है ना, ध्यान दो जो भी इसमें दिया उसी को लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से समझोगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा वीडियो को फिर से देख लो, अभी दोबारा बताऊंगा, क्लास छोड़ के मत जाना बच्चा समझना है तो, क्योंकि पेपर में आएगा ये, दिमाग लगाओ, एक एक वीडियो को कई बार देख लो, एक बार में नहीं समझ में आता बार बार देख लो। पहले आपको एकांतर कोण, ये एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, मतलब जिन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर बोलते हैं, ये आना चाहिए। संगत कोण आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये सब आने चाहिए। नहीं आता है तो बताना, वो मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन जब तक वो नहीं जानोगे तब तक इसको नहीं जान पाओगे। रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब आने चाहिए तभी ये सवाल आएगा। ये सब पहले मैंने बताया स्टार्टिंग में ना, जब क्लास शुरू हुई थी, बताओ नहीं बताया तो बताना मैं बता दूंगा। तो बच्चा इसमें एक्स और वाई है ना, यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका जो कोण एक्स है वो धन कोण वाई के भी दोनों जोड़ोगे तो 180 होगा। अब कहोगे ऐसे काहे होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे बच्चा? रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर जिन्हें बोलते हैं। लीनियर पेयर कब बनते हैं? जब कोई दो कोण एक ही रेखा पर बने हों तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। जैसे एक्स और वाई देखो एक ही रेखा पर बने हैं ना, इतना लिख लो, इतना हो गया। आगे बढ़ें अब हम, अब देखो इतना आप लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं या साइड में करूं? देखो रुको एक मिनट, आप सवाल समझ गए हो क्या करना है, अब मैं मिटा के आगे हल कर सकता हूं। ठीक है, सवाल मिटा दूंगा मैं ऊपर, अब ऊपर हल करूंगा। ध्यान दीजिए, सवाल आप फिर से लिख लो, वीडियो पीछे करोगे सवाल फिर से दिखेगा। आप एक बात ध्यान दो, अगर हम कोण वाई के अपोजिट कोण पी मान लें, मतलब ये वाई है इसके अपोजिट इधर साइड, अगर हम इसको कोण पी मान लें तो आप यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, बहुत ही प्यार से समझो बच्चा। अगर हम इसको कोण पी मान लें तो क्या होगा पता है आपको? यहाँ हो जाएगा कोण पी इक्वल कोण वाई, ये हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम बाद में अभी आपको दिखाएंगे। पहले आप ये ले लो, ये दोनों ले लो, कोण पी जो है किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? कोण जेड के बराबर हो जाएगा। किसके? कोण जेड के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे ऐसा क्यों, क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि भैया अभी अभी आपने, मैंने आपको बताया ना संगत कोण है, ये क्या है, ये संगत कोण है। देखो एक ही भुजा से जुड़े हुए बने हैं ना, ये समांतर लाइन पर, इस पर ये बना है, इस समांतर लाइन पर ये बना है, तो ये ब्रेकेट में लिख लो संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया ना, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, अब यहाँ कोण वन प्लस कोण पी इक्वल 180 कह सकते हो। कहोगे ये कौन मुसीबत है? ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म लीनियर पेयर। अब देखो हम वही चल रहे हैं जहाँ पर हमें चलना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिला है, वो क्या मिला है? पी का मान आप ला के रख दो इसमें, हाँ पी का मान आप ला के रख दो। यहाँ पे देखो कोण पी कोण जेड के बराबर है ना, तो पी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? पी की जगह पे आप कोण जेड लिख सकते हो बराबर 180 अंश। आ गए ना एक लाइन में, एक छतरी के नीचे आ गए ना सब। इतना लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बस उत्तर आ गया है, इसके बाद मैं कर देता हूँ बगल में, ठीक है। ये लो जगह तो है ना बगल में, मैं कर देता हूँ साइड में, देख लो बच्चा लोग, काफ़ी जगह है। चलो तो ठीक है, गुड। अब यहाँ देखो कोण ए एंड कोण बी, ओ सॉरी जेड, ये 3A था कोण ए और जेड 7A था ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3A प्लस 7A इक्वल 180, 180, यानी फाइनल में 10A बराबर 180, तो A बराबर आप क्या लिखोगे? 18। कितना आएगा? 18। इस तरह से आप Y का मान निकाल सकते हो, Z का मान निकाल सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे बच्चा आप Y बराबर निकालोगे 3A है बराबर 3 × 18 इक्वल 54, यानी वाई का मान आप कह सकते हो 54 डिग्री है। कितना है? 54 है। इस तरह से आप जेड का मान कह सकते हो, क्या होगा बच्चा? जेड का मान क्या हो सकता है? वही 7 ही था ना, तो बराबर 7 × 18, 18 × 7 = 126, ये 126 डिग्री हो गया। हमें करना क्या था सवाल में? कह रहा था एक्स का मान निकालो ना, एक्स का मान निकालने को बोला था ना बच्चा, चूँकि एकांतर कोण एक्स और जेड बराबर थे ना, एक्स और जेड बराबर थे, और जेड 126 अगर आ गया
तो क्या लिखोगे यहाँ पे नीचे लिखो, चूंकि जेड बराबर 126 डिग्री इसलिए कोण एक्स बराबर 126 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख दो एक अंतर कोण, है ना। बात समझ में आई ना, अगर नहीं समझ में आया कहीं तो तुरंत बता देना। ये मैंने लिखा है चूंकि जेड बराबर 126 अंश इसलिए, भाई ये लिख लो चूंकि जेड बराबर इतना इसलिए कोण एक्स बराबर 126 होगा। एकांतर कोण ये देखो आया था ना यहाँ पर, एकांतर अंतर कोण है ना एक्स और जेड। मुझे पता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, रिपीट करिए वाच अगेन पे क्लिक करके, जिससे आपको समझ में आए। एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है। देखो ये थोड़ा सा टफ तो है क्योंकि ये रेखा गणित है, आपको थोड़ा बहुत थ्योरम आनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अगर आप नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, जा करके आप देख लो। रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, और ये को इंटीरियर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जैसे अंतःआंतरिक कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ये सारी कॉन्सेप्ट अगर आपको आएंगे तो ये आप आराम से कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी एक चीज़ नहीं आती है, जितनी भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। चलो सवाल नंबर आज हम करेंगे 4, जो कि आपके सामने दिख रहा है, मैंने सवाल लिख दिया है। आकृति 6.13 में ऐसे आपके बुक में लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है। यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, इसे समांतर बोलते हैं पैरेलल, और इसमें एक कोण दिया है पी क्यू आर 110 डिग्री का, ये पी क्यू आर ए 110 डिग्री का है, तो पूछता क्या है, कह रहा और आर एस टी 130 का है। आर एस टी, बच्चा ध्यान से देखो, आर एस टी यानी ये कोण 130 का है ये, तो कह रहा कि क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस मतलब बीच में जो ये लुप्पसे हुआ है ना वी आकार का, इसको बतााना है कि बच्चा ये एंगलवा जो है ना ये कितने का है, ये बताना है। चलो देखते हैं, इसमें एक संकेत दिया है। संकेत का मतलब होता है कि हल कैसे किया जाए सवाल को, अगर आपके एग्जाम में आता है तब भी उसमें आपको ये संकेत दिया रहेगा, पक्का दिया रहेगा अगर बुक में है तो। संकेत में कह रहा कि आर से होकर के एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, तो चलो बिना देर करते हुए हम खींच देते हैं एक रेखा, ये आर से होते हुए एस टी के समांतर बोलो या फिर पी क्यू के समांतर बोलो, दोनों का मतलब तो एक है हुआ ना भाई, दोनों का मतलब एक हुआ, चूंकि पी क्यू और जो एस टी हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर टाइप की है ना। अच्छा अपने बुक में देख लो ये समांतर हैं कि कैसे हैं भाई, हाँ समांतर हैं यार, ये दोनों बराबर नहीं है, एक बात ध्यान देना, ये दोनों बराबर दूरी पे नहीं है, हल्का नीचे ऊपर हैं, ये बात आप लोग ध्यान देना। मैंने थोड़ा बराबर में खींच दिया बच्चा, तो ये जो क्यू वाला है ना बाबू, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ये ध्यान देना आप, ये समांतर हैं, ये एस टी ये 130 है, ये दोनों अगर बराबर कर लोगे तब तो फिर समांतर नहीं जुड़ जाएंगे आपस में जाके, ये समांतर हैं, ये ऐसे नीचे निकल जाएगी ऊपर। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें सवाल में क्या दिया है, हमें दिया है कि पी क्यू एच टी के समांतर है, ये मैंने लिख लिया है, दिया है इक्वेशन वन मान लिया। इसमें हमें कोण पी क्यू आर दिया है, उसको भी मैंने लिख लिया। उसके बाद हमें कह रहा कि रचना करो इसमें, ये खुद कहा है रचना मतलब कंस्ट्रक्शन करिए आप इसमें, तो मैंने कर लिया, एम एन के समांतर पी क्यू खींच दिया, मतलब समझ रहे हो, एम एन के समांतर पी क्यू नहीं, पी क्यू के समांतर एम एन खींच दिया, या फिर यहाँ पे ये लिख लो एस टी के समांतर एम एन खींच लिया। भाई जो एम एन है ये पी क्यू के भी समांतर है, एस टी के भी समांतर है, हाँ दोनों के समांतर है, तो चाहे जो भी लिखो, जैसे एग्जाम में इसमें आपके सवाल में कहा था, इतना हो गया, आप इतना लिख लो जल्दी से। और हाँ बच्चे ध्यान से सुनो, लिखो मत अभी, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो एक बात ये समझो कि अगर मैं बोलूं, तीन लाइनें देखो, एक है जिसका नाम है ए बी, और बच्चा एक लाइन है जिसका नाम है सी डी, और एक लाइन है जिसका नाम है ई एफ। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी के समांतर है, ठीक, ए बी सी डी के समांतर है, और ये भी कहूं कि सी डी ई एफ के समांतर है, क्या है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए बी ई एफ के समांतर है, कह सकता हूँ ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ ये 5 है, ये 5 है, और ये भी 5 है, तो चाहे तो आप लिखो कि ए बी बराबर सी डी, चाहे तो ए बी को सी डी के बराबर लिखो, या फिर आप ए बी को ई एफ के बराबर लिखो, मतलब तो वही हुआ ना, चूँकि बराबर है ना, तो ये बात आप समझ सकते हो।
तो इसी तरह से आप इसमें क्या लिख सकते हो बच्चा, लिख सकते हो कि यमयन समांतर एसटी। नीचे लिखो, यहां आप लिख सकते हो एम एन समांतर एसटी, मतलब जो लाइन है एमएन वो एफटी के समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि एमएन जो है ऑलरेडी पीक्यू के समांतर है और पीक्यू जो है वो एफटी के समांतर है, बुक में दिया है। भाई फिर से समझ लो, मैंने क्या माना है, माना वाला छोड़ो भाड़ में जाए, पहले देखो जो दिया है। पीक्यू एसटी के समांतर है कह रहा है ना, यानी ये जो पीक्यू है वो एफटी के समांतर है ना। तो मैंने लिखा क्या यहाँ पे, नया क्या किया, मैंने कह दिया कि यमयन एफटी के समांतर है, मैंने इसको जो है यमयन को एसटी के समांतर कर दिया, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एमएन एसटी के समांतर इसलिए है क्योंकि जो एसटी है वो पीक्यू के पहले समांतर है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो एमएन समांतर एसटी। इतना हो गया, इसमें कारण भी लिख लो, कोई लाइन समान लाइन के समांतर हो तो आपस में भी समांतर होती है, लिख लो जल्दी से। चलो देखो, हिंदी में मैंने दिखा दिया, आप लोग इंग्लिश में लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में लिखो जल्दी करो। चलो हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, आपका हो गया। कोई लाइन समान लाइन के समांतर हो तो आपस में भी समांतर होती है। अब इंग्लिश वाले लिख लो जल्दी से, मैं बोल दे रहा हूँ, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया, तो ये हो गया बच्चा। अगर तो अब हमें मेन बात देखना है, वो ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका अगले पेज में दिखाऊंगा उसे। चलो हो गया, अगला पेज देखो, अगला लाइन में अब आपको ध्यान देना है, वो क्या है, बहुत ही प्यार से समझने वाली बात है। आप देखो कोण पी क्यू आर, फिर से देखो पी क्यू आर, देख रहे हो ना, और ये कोण एम आर क्यू। आप देखो तो ये दोनों एक ही क्षेत्र में दिख रहे हैं ना आपको, इधर से ये कोण बन रहा है, उधर से वो बन रहा है, बन रहा है ना। जब इस तरह से अगर कोई कोण बनता है जिसमें कि कोई एक भुजा दोनों में कॉमन हो, जैसे इसमें देखो क्यू आर दोनों में कॉमन है, भैया क्यू आर जो भुजा है वो एम आर क्यू में भी है और पी क्यू आर में भी है, अगर इस तरह का कोई कोण बनता है तो उसे को इंटीरियर कोण बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, जिसे सह आंतरिक कोण बोलेंगे हिंदी में, मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन इंग्लिश वाला को इंटीरियर बोलते हैं। तो हर एक ऐसी स्थिति में दो को इंटीरियर का जो सम है वो 180 होता है, 180 होता, मैंने लिख दिया। तो बच्चा इसमें यम आर क्यू और पी क्यू आर में अगर आप ध्यान दो तो यम आर क्यू का मान निकल जाएगा, चूंकि पी क्यू आर का मान वहां पे दिया था 110 डिग्री, ये बराबर 180 अंश लिखोगे, यहां से यम आर क्यू बराबर आप लिख सकते हो 180 माइनस 110, फाइनल में आपका यम आर क्यू बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हो बच्चा ये 70 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो, हमें जो निकालना है ये क्यू आर एस वाला, इसको तो हम निकालेंगे, लेकिन पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये कोण भी पता होना चाहिए, ये वाला कोण भी पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम अगले पेज में उसको भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। जल्दी करो, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो फट से, बहुत जल्दी करो। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे देखते रहें, मैं बता रहा हूं, आंसर आ रहा है एक मिनट में। और अगले पेज में ध्यान दो अगर आप, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया एम आर क्यू, ध्यान दो एम आर क्यू और पी क्यू आर, बताया ना मैंने ये दोनों को इंटीरियर हैं, उसी तरह से इधर भी को इंटीरियर है। कौन कौन? इधर ले लो एन आर क्यू, सॉरी एन आर एस, एन आर एस, और एक कोण ले लो आर एस टी, एन आर एस और आर एस टी ले लो अगर आप बच्चा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी को इंटीरियर हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोण एन आर एस प्लस कोण आर एस टी, आर एस टी इक्वल 180। रीजन लिख लो, वही को इंटीरियर क्या है, को इंटीरियर लिख लो, अभी पीछे लिखवाया था ना उसे लिख लो, इंटीरियर आई एन टी आर आई ओ आर, ठीक है इंटीरियर, ओके। अब क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ के मान दिए लाके रख दो, फटक के पटक दो लाके, ये देखो आर एफ टी आर एस टी मान 130 दिया है, तो बच्चा निकाल लो, तो यन आर यस धन ये 130 हो जाएगा बराबर 180। यहाँ से आप निकालोगे जब बच्चा यन आर एस, तो बाबू ये आपका हो जाएगा ऐसे ना, ऐसे हो जाएगा,
इसको आप सबट्रैक्ट कर लोगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। आप एन आर एस को बड़े गर्व के साथ यहाँ पे बोल सकते हो कि ये 50 है। कितना है ये? 50 डिग्री है। इसको थोड़ा सुंदर से लिख लो यार, मैंने तो गोंच पोंच दिया इसी में। ये लो 50 है, ठीक है। अब आ गया, अब आपका आंसर आ गया। कैसे? देखो बस चंद मिनट में आपका आंसर आ दौड़ के, चूंकि इसके चारों तरफ के सभी कोण आ गए, फिर ये अकेले बच रहा बेचारा। और वो कैसे आएगा जरा ध्यान दो आप। अगर यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ना। लीनियर पेयर कब बनता है? जब किसी एक ही रेखा पे एक से अधिक कोण बनाए तो वो सभी कोण लीनियर पेयर होते हैं। जैसे ये रेखा एम एन अगर ले लो तो एम एन पे सारा कॉन्सेप्ट इसी पे आके टिका है, ये न्यू है। देखो अब ध्यान दो बच्चा, तो आपका ये कोण 70 भी इसी एम एन पे बना है, ये कोण 50 भी एम एन पे बना है ना। और संयोग से हमारा वो कोणवा भी इसी पे बना जो हमें निकालना है, वो भी बना है ना। और आप ये भी जानते हो कि किन्हीं भी, चाहे जितने भी रेखिक कोण है, रैखिक युग्म है, उन सभी रैखिक युग्म का सम 180 होता है, 180 होता है। तो आप अगले पेज में लिख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो नीचे में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं नीचे बच्चा? दिख रहा है, चलो लिख देता हूं मैं एक लाइन। आप लिखो लिखो, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा रोक के लिख के दिखाता हूं। देखो मैंने दिखा दिया, चूंकि तीनों कोण एम आर क्यू एंड कोण आर एफ टी एंड कोण क्यू आर एस एक ही रेखा एम एन पर बने हुए हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, रैखिक युग्म बना रहे हैं। और किन्हीं भी रैखिक जो युग्म होते हैं उनका सम जो होता है 180 अंश होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, देखो जो बच्चे नहीं लिखे वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसे लिख सकते हो कोण एम आर क्यू धन कोण आर एस टी धन कोण क्यू आर एफ इक्वल 180। नीचे हमारे में जगह नहीं, आगे आपके में जगह है, तो आगे लिख दो रैखिक युग्म। कारण क्या है? रैखिक युग्म क्या है बच्चा? रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें लीनियर पेयर। देखिए सभी के मान रखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा हल कर लेना है बस। एम आर क्यू का मान 70 दिया है, आप देख लो अभी मैंने दिखाया था। उसके बाद एन आर एस का मान 50 दिया है, इसको क्या करोगे? हल कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो आपको मिल जाएगा ये कोण क्यू आर एस। क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 180 माइनस ये दोनों उधर जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 70 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लोगे, 70 और 50 जोड़ोगे तो आपको पता है 120 हो जाएगा, माइनस का 120 करोगे तो फाइनल में आपका क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा, आपको पता है 60 अंश आ जाएगा। घटा लो बस, यही आंसर हो गया। तो इसे आप कहीं दूसरी जगह लिख लेना ढंग से, ऐसे लिख लेना कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश। हमारे में जगह नहीं नीचे इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये तो फिलहाल पीछे का है। तो आपका कितना आंसर आ गया? 60 आ गया। आप सभी इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। एक्सरसाइज 6.2 आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। बहुत ही ध्यान से देखो, ये फिगर आपके बुक में दिया है। अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप ओपन कर लो, चाहे हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन एकदम समान होगा। कह रहा कि आकृति 6.133 में, यानी इस आकृति में, इस फिगर में PQ और RAS दो दर्पण हैं। दर्पण मीन्स होता है मिरर। मिरर आप जानते हो, जिसमें आप फेस देखते हो उस तरह से। तो अगर कोई मिरर है तो उसमें ऐसे ऐसे लाइनें खींची होती हैं, अगर वो रेखा है तो सीधी सीधी होती है। तो ये क्या है? दोनों मिरर हैं। आगे कहता है कि जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, हाँ भाई एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। देखो ऐसे है, ये ऐसे है, दिख रहा है पैरेलल है, समांतर है। फिर आगे कहता है कि एक आपतन किरण, आपतन किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब कोई आने वाली किरण। जैसे अगर आप दर्पण लो, उस पर अगर टार्च जलाओगे तो क्या होगा, उस पर लाइट जाएगी, रोशनी ना, मतलब किरण उस पर जाएगी। आगे देखो कह रहा है आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। आपतन किरण ये ए बी दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है। एक बार फिर से सुन लो, आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू पर बिंदु कहाँ पर, बी पर टकराती है। उसके बाद आगे कहता है और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, अगर आपके पास आपके घर में मिरर लगा होगा, शीशा लगा होगा, आप मोबाइल का फ्लैश ही जला के देखना तो क्या होगा,
उस पर रोशनी तो जाएगी, लेकिन वो लौटे की भी रोशनी वापस होती ना, मतलब शीशे पे अगर आप कोई रोशनी मारोगे तो लौट के चमकता है आँख पे आपके, चमकेगा वापस आती है, तो उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो पथ बी सी पर चलकर आर एस से सी पर टकराती है। किससे? पथ बी सी से चलकर ये मिरर आर एस से बिंदु सी पर टकराती है। उसके बाद क्या कहता है कि तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, फिर यहाँ टकराने के बाद फिर सी डी से वो उधर को भाग रही है। अब आगे क्या होगा, देखो आगे क्या पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, ये समांतर हैं, पैरेलल हैं, ये प्रूफ करना है। मतलब कौन कौन, ये रेखा ए बी और ये सी डी को प्रूफ करना है कि ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, देखने में तो लग रही है लेकिन पता नहीं है कि नहीं है, इसको सिद्ध करना है। अब देखिए हमारे पास ज़्यादा जगह तो है नहीं इसमें कि हम सिद्ध कर दें। आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आप क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद हम मिटा करके फिर हम इसी पे आपको इसका सलूशन दिखाएंगे। वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्वेश्चन आप समझ लियो 3 मिनट में। चलिए इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब देखो गिवन हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है पी क्यू आर एस के समांतर है, मैंने लिख लिया ये पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, और इसमें 3 किरण दी गई हैं, एक ए बी एक बी सी, मतलब ये ए बी एंड ये बी सी एंड ये सी डी, 3 किरणें दी गई हैं, वो मैंने लिख लिया। प्रूफ टू मतलब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसे हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, हम एक रचना करेंगे, बिना रचना के ये मुश्किल है हल करना। वो रचना क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम आप कुछ भी लिख लो, मान लो मैंने यम लिख लिया, और एक यहाँ पे खींचोगे जिसका नाम लिख लो यन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, रचना किया, कंस्ट्रक्शन किया। अब आप आगे ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, इसको मैं रेड कलर में कर दूँ। देखिए मैंने जो रचना किया उसको मैंने रेड से दिखा दिया आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। मैंने ये क्या किया बच्चा, रचना किया है। अब ध्यान दो, बड़ा आसान है, वेरी सिंपल सा है। इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे, वो क्या लिखोगे पता है, यहाँ पे आप लिखोगे वी एम, ये लंब है किस पे, पी क्यू पर, मैंने खींचा है नहीं, वी एम लंब खींचा मैंने किस पे, पी क्यू पर, ठीक है। और एक मैंने और भी खींचा है, वो का खींचा बच्चा, वो है सी एन लंब मैंने खींचा, ये सी एन किस पे, आर एस पे, किस पे, आर एस पे, इतना लिख लो, हो गया इतना। अब प्रूफ, अब देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। भाई जो हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं वो परेशान नहीं होंगे, ये मैंने हर चीज़ का हिंदी भी लिखा है, आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। और रचना के बाद यहाँ पे आप इसको उत्पत्ति लिख देना चाहे तो, अगर ऐसा ही करना है तो आपको उत्पत्ति लिख देना, लो हिंदी वाले, ठीक है। इंग्लिश भी लिख देना, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है ना, परेशान मत होना। चलो अब प्रूफ में क्या करेंगे बच्चा लोग, हम ये देखो, अगर कोई दो रेखाएं ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, क्या हैं, पैरेलल हैं, मतलब कि वो समांतर हैं, तो अगर इस पर हम कोई दो रेखा खींचते हैं, जैसे देखो थोड़ा लाइट तो कम दिख रही होगी आपको, तो देखिए जैसे कि मैंने दो रेखा खींचा, ये दो रेखाएं खींचा मैंने, समांतर खींचा, अगर मैं इन दोनों समांतर रेखाओं पर एक एक लंबवत रेखाएं खींच दूँ, ये देखो, तो जो ये लंबवत रेखाएं हैं ना, ये आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, ये बात समझ लो, ठीक है। यानी किसी भी दो समांतर रेखाओं पर खींची गई दो लंबवत रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। तो अगर भैया ये होंगी और आपको दिख भी रहा है कि हाँ हैं, तो फिर क्या करोगे, वेरी सिंपल सा है यार, अगर ये इतना होता है आप देख भी रहे हो तो आप लिख सकते हो वी एम पैरेलल टू, अरे ये बी एम पैरेलल टू सी एन, ठीक है, क्या है ये सी एन। कोष्टक में कारण लिख दो, समांतर रेखाओं पर खींची गई, समांतर रेखाओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं, इसको लिख लो आप लोग, मैंने नोट कर दिया अच्छे से साफ साफ, आप इसे लिख लो, ये कारण है क्योंकि ये समांतर है। अब अगर कोई भी
जो किरणें हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, आपने प्रकाश का नियम पढ़ा होगा कक्षा 8, 7, 9 में, तो उसमें क्या होता है, ये एंगल भी बनते हैं, एंगल 1 बनेगा भाई, एंगल ये 2, एंड इसमें भी दो एंगल बनेंगे, बनेंगे ना, एक मान लो ये एंगल 3 है और ये बच्चा का है भैया ये एंगल 4 है, देखो यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको लेकिन समझ लो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1 है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसा काहे लिख सकते हैं, परावर्तन का नियम पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना प्रकाश वाला, यहाँ उसका भी काम लगेगा, आप इंग्लिश में लिख लो ला ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ला ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना बच्चा, हिंदी वाले लिख लें परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, इतना आ गया अगर समझ में तो हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और एक बात और ध्यान देना, ये थोड़ा टफ है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, ये बात आप मान के चलो, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, वीडियो को बार बार देखना होगा, ये मत सोचना कि हमें नहीं समझ में आएगा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाओगे, आगे चल के फेल हो जाओगे, हाई स्कूल में जाओगे तो और मुश्किल आएगी, इस वजह से मैथ से भागना नहीं, चूँकि इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, तो इस वजह से क्या करोगे, इसको बार बार देखोगे, वीडियो 2-3 बार देखोगे आ जाएगा, कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा, बार बार अगेन एंड अगेन प्लेलिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हो, ऊपर नंबर दिया गया, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब इसको नोट कर लो, मैं अगले पेज पे लगाऊंगा, जल्दी से इतना लिख लो, फट से लिख लो, बहुत जल्दी आपके पास टाइम है कुछ सेकेंड के, वीडियो को रोक के स्क्रीन पर लिखिए, इसके आगे हम आपको दिखाने चल रहे हैं, हो गया। चलिए देखो, आप सबको ये चीज़ तो पता हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है ये, जिसके अकॉर्डिंग ये तो आपने देख लिया था। इसके अलावा कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा, भैया ये काहे बराबर होगा, एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। आप कहोगे इंग्लिश में बता रहे हो, हिंदी में काहे नहीं बता रहे हो, इसका मतलब क्या है, हिंदी छोड़ो पहले समझ लो इसका मतलब है क्या, आप हिंदी या इंग्लिश चाहे जिसमें लिख दोगे, अंतः एकांतर कोण लिख दोगे तब भी ठीक है, ठीक है, क्या है ये एकांतर कोण है, लेकिन देखो पहले मुझे हिंदी नहीं कंफर्म इसका भाई, सीधा फीधा आप समझ लो ये होता क्या, पहले समझो, जब किन्हीं दो समांतर रेखाएं ऐसे खींची गई हैं और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, जब कोई दो समांतर रेखाएं खींची गई हों और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों साइड जो कोण होते हैं, जैसे ये देखो इधर साइड अंदर से, अंदर की मैं केवल अंदर की बात हो रही, दोनों रेखा के अंदर में तभी वो इंटीरियर होंगे, अगर बाहर यहाँ लोगे तो एक्सटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये कोण सी है, ये कोण एफ है, तो ये दोनों कोण क्या हैं, सी और एफ जो हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कोण और लिख दूँ बच्चा, जिनका नाम डी और इनका नाम ई रख दूँ, हाँ, तो कोण डी और ई ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, हमेशा ये बराबर होते हैं, ये नियम होता है, ये परमीय है, मैंने सिद्ध किया पीछे, आप देख लेना, ठीक है, नहीं मिल रहा तो कमेंट करना, बता दिया जाएगा, बात समझ में आई ना। तो आप ये समझ लिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आखिर होते क्या है, जैसे आपने सुना होगा वाटर, अगर आपको कोई बोले वाटर दे दो तो आप जान जाओगे पानी मांग रहा है, आपने इंग्लिश में समझ लिया ना, हम बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में बोलते हैं उसकी हिंदी हमें नहीं पता होती है, जैसे मोबाइल बोलते हो आप, सिम बोलते हो, ट्रेन बोलते हो, ट्रेन की हिंदी जानते हो, बड़ी खतरनाक होती है, झुकझुक अड्डा ऐसे कुछ होता है ना, सुने हो, यही होता है ना, इसके अलावा स्टेशन जैसे होता है, स्टेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, तेज से बोल, शर्मा रहा भाई ये पागल टाइप का है, भकभक अड्डा बोलते हैं स्टेशन को, अरे ये सब तो छोड़ो नई चीज़ें हैं, आप कॉमर्स कहते हो ना, ये कॉमर्शियल वाहन है, सुना होगा आपने, ये कॉमर्शियल मकान है, उसकी हिंदी क्या होती पता है, व्यावसायिक, कोई ये नहीं कहता व्यावसायिक, आपने सुना होगा बिजनेसमैन, कहते हैं कि हमारे अंकल जी जो हैं बिजनेसमैन हैं, पापा बिजनेसमैन हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता हमारे पापा जी धंधे वाले हैं, अगर धंधा वाला बोल दो तो लोग बड़ा गड़बड़ समझते हैं, क्योंकि उसकी हिंदी धंधा होता है बिजनेस का, ठीक है, व्यवसाय होता है, व्यवसाय बोलो या धंधा बोलो। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको हम इंग्लिश में हर दिन यूज करते हैं, उनकी हिंदी हमें नहीं पता होती है, तो आप हिंदी के पीछे मत भागो भैया, उनको इंग्लिश में ही समझो, इंग्लिश में ही जियो, ठीक है, चलें आगे। चलिए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप समझ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं,
अब इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी समझ लो बच्चा, ये जैसे अगर यहाँ पे कोई कोण बना है और इधर पे कोई कोण बनता है, ये मान लो ए और बी, तो ए बी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये सी है, ये मान लो डी है जो मैंने कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल का बी और कैपिटल का सी जो है ना बच्चा, ये दोनों बराबर होते और कैपिटल का डी और ए बराबर होता, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, मतलब बाहरी कोण जो है, ठीक है, समझ में आया ना, ये आंतरिक कोण है जो अंदर में है। तो ये चीज़ मैंने आपको अलग से समझाया, एक्स्ट्रा समझाया, सिर्फ इतना समझाने के लिए, चूँकि आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे की जाएँ वो समझ में आनी चाहिए ना, नहीं तो कहोगे कैसे इसको बराबर कर दिया, उसको कैसे कर दिया, फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसको लिख लो इतना आ गया समझ में, तो अब अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने पूरी कहानी आपको अच्छे से बता दिया है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं, वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दो आप लोग। अगर कोण एक कोण दो के बराबर है, कोण तीन कोण चार के बराबर है, तो हम क्या करें, समीकरण एक थी और बना था, दो जो है तीन के बराबर है। अब देखो इसमें बड़ा उलझी हुई एक गुत्थी बनेगी, समीकरण इसको दो बना लेंगे, क्या है ये भैया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये दो है, यहाँ लिखो समीकरण एक व दो से, एक व दो से आप सबको बराबर लिख सकते हो, कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण चार, ऐसा क्यों लिख सकते हो पता है, इसलिए लिख सकते हो कि बच्चा जो एक है दो के बराबर है और जो दो है वो तीन के बराबर है, लिखा है ना, और जो तीन है वो चार के बराबर है, तो भैया तुम हमारे बराबर, हम तुम्हारे, वो है तुम्हारे, ऐसे ऐसे करके सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो एक बराबर दो बराबर तीन बराबर चार, इतना आप लिख सकते हो। लेकिन जब ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि बच्चा ये दो धन तीन, या फिर ऐसे कर लो इसको, दो बराबर तीन बराबर चार बराबर पाँच, ऐसे है, तो इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, दो बराबर तीन और या फिर दो धन तीन और बराबर चार धन पाँच लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये है कि सब इक्वल हैं, हर एक का पार्ट जो है बराबर बराबर है, तो आप दो दो को अलग अलग कर दो तभी तो बराबर रहेंगे ना, रहेंगे ना। तो कुछ ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे भैया, कर लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे प्रोग्रेस में, और फिर हम जो लाना चाहते हैं वो आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कोण एक धन कोण दो बराबर कोण तीन धन कोण चार, ये हो गया ना बच्चा। अब एक बात ध्यान दो, कोण एक और कोण दो का मतलब क्या है, ये यहाँ से एक और दोनों, एक और दो दोनों ध्यान देना, ये और ये दोनों स्पेस, बीच वाली लाइन को ख़त्म कर दो चाहे, तो कितना बड़ा आकार ले रहा है ये, ए बी सी, ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी मिला करके कोण एक कोण दो दोनों बन रहे, तो यहाँ पे आप लिखो कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा भाई, ये ए बी सी दोनों कोण के जगह पे आया है, दोनों कोण की जगह पे ए बी सी आया है, तीन और चार कहाँ बन रहा है, ये तीन बन रहा है, ये चार बन रहा है, तीन चार का मतलब यहाँ से बी सी डी क्या है, कोण बी सी डी, ये आपस में बराबर है ना बच्चा, ये बराबर है। अब भैया ये बराबर काहे लिए हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या है बच्चा ये, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कैसे देखो, अरे भाई बताने की ही बात नहीं है यार, सिंपल सी बात अभी मैंने बताया था, ऐसे है ना, ऐसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे काट रही ना, तो इधर का जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वही तो हुआ ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना। अब चाहे ये इधर से यहाँ लाइन खींच लो या चाहे जो मर्जी वो कर लो, वो तो अलग की बात है ना। तो ब्रेकेट में इसके लिख दो रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब चलो आगे, इतना हो गया, लिखो चूंकि ए बी सी इक्वल बी सी डी जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए अल्टरनेट हो गया इतना, ठीक है, चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बराबर होते हैं। भैया ये तो पहले आप समझो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन मैंने अभी अभी आपको दिमाग पिट करके बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समांतर रेखाओं पर ही बनते हैं, दिखाया था ना बना करके। तो भैया अगर ये ए बी सी बराबर बी सी डी हैं, तो ये कहाँ से आए, आसमान से तो नहीं गिरे ना, ये समांतर रेखाओं से ही पैदा हुए हैं। और सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, इधर देखने दो, ए बी समांतर सी डी, ए बी को सी डी के समांतर सिद्ध करना था, तो हो गया ना सिद्ध, लिख लो, लिखो, मैं स्पष्टीकरण लिखवा देता हूँ नीचे ध्यान से।
देखो अब मैं आपको हिंदी भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा बच्चा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। अल्टरनेट मतलब एकांतर और एंगल मतलब कोण, इंटीरियर मतलब अंतः, बस एकांतर अंतः कोण। अगर इस पर एक्सटीरियर होता तो एकांतर वाह कोण। तो चलो चूंकि ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर हैं, और ऐसा स्थिति तब बनती है जब कोई दो भी एकांतर अंतः कोण है तब। और एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बराबर होते हैं, बाकी वो बनते ही नहीं है कहीं, ठीक है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ए बी ये समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। बात समझ में आई ना, लिख लेना नीचे इसको। इतना लिखने के बाद में देखो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। चूँकि ए बी सी इक्वल कोण बी सी डी जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, हिंदी में लिख लेना एकांतर अंतः कोण हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण सिर्फ समांतर रेखाओं पर ही बराबर होते हैं, अतः सिद्ध हुआ ए बी पैरेलल सी डी। नीचे लिखो, बस हो गया था सिद्ध हुआ, लिख दो बस हो गया, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों अगर आप इस तरह की बड़ी बड़ी क्लास देखना चाहते हैं, एक एक दिन में 5-5, 8-8 सवाल करना चाहते हैं, तो आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करके उसमें प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना होगा। अन्यथा फ्री की ऐसे ही कुछ वीडियो पाते रहने के लिए PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल और PBR स्टडी 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, और पढ़ते रहें हमारे साथ कभी भी कहीं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने साथियों में खूब शेयर करना, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े हमारा और हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएं। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, हम आपको जरूर बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, बेहतर ढंग से बताएंगे। आप कमेंट करना, बस सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर देना। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। आप देखो तो इंडी स्क्रीन पर भी कुछ आ रहा होगा थंबनेल, उस पर आप टच करो तो अगला पार्ट चल जाएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।